हेलो स्टूडेंट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट बोल रखा है कि नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन नेफ्थेलीन रेस्पेक्टिवली आर 19 सिग्मा एंड 5 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, और स्टेटमेंट सेकंड बोल रखा है कि नेफ्थेलीन हैज टू बेंजीन रिंग्स फ्यूज्ड टुगेदर। तो यदि हम यहाँ पर नेफ्थेलीन की स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, दो फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर एक बेंजीन रिंग ये रही और इसके साथ में एक और अदर बेंजीन रिंग यहां पर क्या इसके साथ फ्यूज है, तो यहां पर ये दिस इज द बेसिकली करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्थेलीन। अब यहां पर यदि हम टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करें तो हमें पता है कि यहां पर साथ में क्या प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन। ठीक है, दैट मींस कि यहां पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है हमारे पास, 4। अब यहां पर भी हाइड्रोजन और इधर भी क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहां पर टोटल सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19। ठीक है, दैट मीन्स कि टोटल सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कितने हो गए, 19, और 5 पाई बॉन्ड हमारे पास क्या है, रिंग में प्रेजेंट है। ठीक है, दैट मीन्स कि यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या है, करेक्ट, और स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि नेफ्थेलीन हैज टू बेंजीन रिंग दैट आर फ्यूज्ड टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। तो यहाँ जो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।